कर्क राशि, आज आपको बड़ों का विशेष सहयोग मिलने वाला है। करियर के क्षेत्र में भी अच्छे प्रगति का संकेत है। आज किसी को उधार पैसा बिल्कुल मत दीजिएगा। ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का जप करिए और दिन का प्रारंभ करिए, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। वृश्चिक राशि, रोग और शत्रु के घर में चंद्रमा गोचर कर रहा है, जिससे प्रत्येक कार्य में अवरोध पैदा करेगा। इसलिए आज किसी नए कार्य का प्रारंभ बिल्कुल मत करिएगा। अनियमित दिनचर्या आपको बीमार कर सकती है, इसलिए नियम से भोजन लो। आज मीठी वस्तु का दान करके दिन के मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। मीन राशि, आज आपकी राशि से धन भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, जो आर्थिक क्षेत्र में इच्छा के अनुरूप सफलता देगा। जल्दबाजी में कोई कार्य लेकिन बिल्कुल मत करिएगा। गरीबों को धन का दान करके आज सभी मनोरथ पूर्ण करिए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 80% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा। मकर राशि, भूमि और भवन से संबंधित पूर्व का प्रयास आज सार्थक होता हुआ दिख रहा है। विवाह में आ रही बाधा के भी समाप्त होने के संकेत हैं। अनावश्यक लेकिन आज तर्क कुतर्क से बचिएगा। गरीबों में अन्न का दान करके दिन के सभी मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। और आइए आचार्य जी से जान लेते हैं कि आखिर क्या भोग लगाएं माँ दुर्गा को, जिससे वो प्रसन्न हो। आचार्य जी, आखिर राशियों के अनुसार कौन सा भोग लगाना चाहिए? जी देखिए, राशि के अनुसार भोग लगाकर शीघ्रता शीघ्र आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो क्या भोग लगाना चाहिए प्रत्येक राशि के लोगों को, ध्यान से सुनिए दर्शकों। मेष राशि के जातकों को केसर मिश्रित मिठाई का भोग लगाना चाहिए, इससे जगदम्बा शीघ्र प्रसन्न होती है। वृषभ राशि, मिश्री अथवा नारियल की बर्फी का भोग लगाइए और माता निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगी, सभी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। मिथुन राशि, पंचमेवा का भोग विशेष लाभकारी है आपके लिए। कर्क राशि, बतासा अथवा नारियल का लड्डू माता को भोग लगाइए। सिंह राशि, मालपुआ अथवा किशमिश का अवश्य भोग लगाइए। कन्या राशि, पंचामृत का भोग अद्भुत फायदा देगा। तुला, गाय के दूध की खीर बनाकर माता को भोग लगाइए। वृश्चिक राशि, अनार सेव गुड़ से बने खीर का भोग लगाकर भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। धनु राशि, बूंदी का लड्डू और पीले रंग की मिठाई माता को अर्पित कर उनका आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं। मकर राशि, दही बतासा निश्चित रूप से माता को अर्पित करिए। कुंभ राशि, मखाने का खीर तिल की मिठाई आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगी। मीन राशि, केला पीला फूल भगवती को अवश्य अर्पित।